रैंडम लिमिटेड ने टेक ओवर किया है एक रनिंग बिजनेस ऑफ मैच्योर लिमिटेड, जिसके पास एसेट्स थी ₹45 लाख की और लाइबिलिटीज थी ₹6,40,000 की, और इन्हें टेक ओवर किया गया है फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ ₹36 लाख। अब जो इनका अमाउंट सेटल किया जाएगा, यानी जो परचेज कंसिडरेशन सेटल की जाएगी, वो एक बैंक ड्राफ्ट के ज़रिए जो कि ₹1,50,000 का होगा, और जो बचा हुआ पैसा है उसके लिए रैंडम लिमिटेड जो है 12% प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करेगी, जिनकी फेस वैल्यू तो है ₹100, मगर इन्हें इशू किया जाएगा एट अ प्रीमियम ऑफ 15%। आपको एंट्रीज बनानी है बच्चों इन द बुक्स ऑफ रैंडम लिमिटेड, ठीक है बच्चों? तो यह है क्वेश्चन, आइए देखते हैं बच्चों क्या क्या एंट्रीज बनेंगी। और उससे पहले बच्चों थोड़ी कैलकुलेशन आपको करनी है, आपको क्या करनी है देख लीजिए बच्चों। सबसे पहले आप रैंडम जो मैच्योर लिमिटेड है, जिस कंपनी का बिजनेस टेक ओवर किया जा रहा है वेंडर कंपनी का, उसका आप नेट एसेट पता करिए कितना है, और नेट एसेट निकालने के लिए उसकी एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस की जाती हैं। तो एसेट्स हैं 45 लाख की, लाइबिलिटीज हैं 6,40,000 की, इसमें से आप इसे माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 38,60,000। नेट एसेट इतनी है। और रही बात परचेज कंसिडरेशन की, जितने अमाउंट में ये डील तय हुई है, ठीक है बच्चों, मैच्योर लिमिटेड से, वो है ₹36 लाख। अब नेट एसेट है 38,60,000 और परचेज कंसिडरेशन है 36 लाख। तो ऐसे में बिजनेस टेक ओवर करने पर जो रैंडम लिमिटेड है उसे कैपिटल गेन हो रहा है ऑफ ₹2,60,000। 3860 में से 36 लाख को माइनस कर दीजिए बच्चों, आपको आंसर मिलेगा 2,60,000। सही है बच्चों, इतनी चीज समझ में आ गई। तो आइए पहले ये दो एंट्रीज पहले ये एंट्री कर लेते हैं। पहली एंट्री, इसमें आपको जो एंट्रीज बनानी है इन द बुक्स ऑफ रैंडम लिमिटेड बनानी है, ठीक है बच्चों? और पहली एंट्री है बिजनेस टेक ओवर करने की। जब बिजनेस टेक ओवर किया जाएगा तो सनरी एसेट्स को जितने की सनरी एसेट्स हैं उतने अमाउंट से डेबिट करिए, सनरी लाइबिलिटीज़ को उनके अमाउंट से क्रेडिट करिए। सनरी लाइबिलिटीज़ का अमाउंट है आपका 6,40,000। मैच्योर लिमिटेड को 36 लाख से क्रेडिट करिए। वेंडर क्रेडिट होता है, ध्यान रखना बच्चों, एसेट डेबिट होती है, लाइबिलिटी क्रेडिट होती है। वेंडर को भी हमें क्रेडिट करना है, क्योंकि जब तक हम उसका पेमेंट नहीं करते तब तक वो हमारा क्रेडिटर है, बिजनेस का एक क्रेडिटर है, दैट्स वाई। और कैपिटल रिजर्व में 2,60,000 आपको डालना है, ठीक है बच्चों? इतनी चीज क्लियर। अब आपको जो उसको पेमेंट करना है मैच्योर लिमिटेड को, वो कुछ बैंक ड्राफ्ट के जरिए यानी बैंक के जरिए पे करना है, और बचा हुआ शेयर्स के जरिए पे करना है, और ये शेयर्स प्रीमियम पे इशू किए जा रहे हैं। तो आप मैच्योर लिमिटेड में तो पूरा यहाँ पर 36 लाख को डेबिट करिए, जितनी परचेज कंसिडरेशन है। बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए विद ₹1,50,000। अब देने के लिए जो पैसा बचा है वो है 34,50,000। अब नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर जानने के लिए आपको जो बचे हुए परचेज कंसिडरेशन है उसको डिवाइड करना है प्रेफरेंस शेयर के इशू प्राइस से। तो प्रेफरेंस शेयर का इशू प्राइस है 115, ठीक है बच्चों? अब ये 115 कैसे आया ये भी समझ लीजिए। 100 उसकी फेस वैल्यू थी, ₹15 के प्रीमियम पे उसे इशू किया जा रहा था, तो इशू प्राइस आ गया 115। इसको आप जब 115 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम एग्जैक्टली कट जाता है, तो आंसर आया 30,000। तो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो इशू किए जाएंगे वो हैं 30,000, ठीक है बच्चों? तो 30,000 × 100 तो आप प्रेफरेंस शेयर में क्रेडिट कर दीजिए। कंपनी जब शेयर इशू करेगी तो कंपनी की जो शेयर कैपिटल वो इंक्रीज हो रही है, इसलिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया गया। उनकी फेस वैल्यू से ही उनको क्रेडिट किया जाएगा, इसलिए नंबर्स निकालना बहुत ज़रूरी था।
ताकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में सही अमाउंट हम क्रेडिट कर सकें। अब यहाँ पर आप 30,000 × 15 करेंगे तो भी 4,50,000 आ जाएगा, नहीं तो इसमें से इन दोनों को माइनस करेंगे तो भी 4,50,000 आ जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों सॉल्यूशन, समझ में आ गया ये? ठीक है बच्चों, ये है सारा काम जो मैंने किया है, देख लीजिए। ठीक है ना बच्चों,